स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे और मस्त भी होंगे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो सब खुश ही होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने पुराने वाले घर वापस आ गई हूँ, अपने सास ससुर के पास। इन्होंने हमें वापस बुलवा लिया है, बोला है हमारा मन नहीं लगता है, आप लोग वापस आ जाओ। तो हम आजकल रात को आ गए थे, सुबह के काम मैंने सभी निपटा लिए हैं और मणका मसूर दाल बनाऊंगी आज मैं। मैंने 20 मिनट पहले भिगो दी थी मणका मसूर दाल। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो बहुत जल्दी ये दाल भीग जाती है, वैसे भी भीग ही जाती है ये जल्दी। तो मणका मसूर को मैंने 15 से 20 मिनट भिगोया है और यहाँ पे मैं 2 प्याज मैंने साफ कर लिए और पतले पतले काट रही हूँ इनको। इनका मैं बघार में डालूँगी और इधर मैंने 2 हरी मिर्च भी ले लिए, इनको भी काट रही हूँ। आज मैं इनके बीज नहीं निकालूँगी। प्याज और हरी मिर्च काट ली है, अब चलिए गैस चालू कर देते हैं, कढ़ाई चढ़ा देते हैं और उसमें डाल देते हैं तेल। आज वापस से अपने ससुराल आकर मम्मी जी और पापा जी के साथ में रहकर बहुत ही मन खुश हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है मन। तो इसीलिए मैं अपने ससुर जी की फेवरेट दाल बना रही हूँ, मणका मसूर दाल। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये दाल। सच कहा है किसी ने कि मिनक से ही घर बनता है, और आज मुझे भी इस बात का एहसास हो गया है कि है ना, जो अपन सब साथ में रहते ना वही घर है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है और बघार में डाल दिया लहसुन जीरा, और लहसुन और जीरा अच्छे से चटक जाए तो इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज मैंने डाल दिया है और इनको अब ब्राउन करना है। ये ब्राउन हो रहे हैं तब तक दूसरे मसालों की मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ओखली में मैं डाल दूँगी लहसुन, जिसको अच्छे से पीस लेंगे। कमेंट में आया था कि दीदी आप 2 दिन से वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो? 2 दिन से मैंने वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाली है, अब से मेरी वीडियो ज़रूर आएगी आपके पास, लेकिन 2 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं नए वाले घर में फिसल गई थी, तो मेरे ना जो टेन बॉल होता है ना वहाँ पे लग गई थी, सूजन भी आ गई थी, उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। उसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे और आपकी दुआओं और प्यार से। अब मैं थोड़ी ठीक हूँ तो मैं अब वीडियो बना पा रही हूँ और मैं खाना भी बना पा रही हूँ, नहीं तो खाना भी मुश्किल से बन रहा था मुझसे। और आज मैंने ना खाना भी बनाया है और बाकी के सारे भी काम किए हैं मैंने, धीरे धीरे किए हैं काम, तो क्योंकि अभी पूरा अच्छा महसूस नहीं लग रहा है मुझे, और भगवान की मेहर कृपा है कि मैं बच गई, वरना मेरे सिर पे भी लग सकती थी वहाँ पर। मसाला मैंने सभी तैयार कर दिया, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, इन सभी को लहसुन और थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मैंने एक पेस्ट बना दिया है। और यहाँ पर मेरे प्याज भी ब्राउन हो गए। मेरी बनाई हुई सब्जी आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और वो जो घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा। प्याज मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, लाइट ही ब्राउन किया है। और अब इसमें जो मणका मसूर मैंने भिगोई थी दाल को वो डाल देती हूँ, और इसके बाद में हम जो मसाले का पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा मणका मसूर को अच्छे से तेल में मिक्स कर देते हैं, इससे ना मणका मसूर बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। जब मैं नई नई आई थी ना तो मेरी सासू माँ ने मुझे इस तरह से सिखाया था, तो उसी टाइप से बनाती हूँ। अब ये जो मैंने लहसुन के साथ मसाला तैयार किया था ना, उन सभी को एक साथ में हम डाल देंगे, और ये भीग गया है मसाला, पूरा अच्छे से फूल भी गया है, और अब ये है ना भूंदने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा। क्योंकि जैसे मान लो हम कोई लाल मिर्च बनाते हैं तो उसको पहले गीला करते हैं ना, उसी हिसाब से अगर हम किसी भी सब्ज़ी में ऐसे बना कर डालें ना, तो सब्ज़ी का एक अलग ही मज़ा आता है खाने में। आप कभी इस तरह से ट्राई करना, बना कर देखना। अब इसमें मैं जो ओखले में मसाले पीसे थे उसको खंगोल कर डाल दूंगी, और इसका तो बहुत ही ज़्यादा अलग फ्लेवर आता है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हर एक सेफ जानता है इसको डालना ज़रूरी होता है या नहीं होता है।
इसको डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो बहुत ही मस्त वाला गजब का स्वाद आता है इस सब्जी में। और अब इसमें दो हरी मिर्च डाल दूंगी मैं। हरी मिर्च को अभी मैं इसीलिए डाल रही हूँ ताकि हम जब ये पकेगी ना तो इसका जो कच्चा कच्चापन हरी मिर्च का फ्लेवर आता है ना वो आएगा और बहुत ही गजब अच्छा लगेगा। एक बार आप है ना इस तरह से बना कर देखना कभी मणका मसूर दाल, बहुत ही अच्छे ऊपर से तड़के लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है आपको। तो इसमें मैंने एक है ना ये जो मेरा मटका है ना छोटा वाला ये डाल दिया मैंने भर के इसके अंदर ओके। और अब इसको ना थोड़ा सा चला के मिला के अच्छे से मसाले वगैरह सभी मिलाकर और एक गरम मसाला की चम्मच डाल दूंगी मैं। गरम मसाला डालने के बाद में मणका मसूर दाल को अच्छे से अपन है ना मिलाकर ढक्कन लगाकर रख देंगे 4 से 5 मिनट। ये मणका मसूर दाल है तो फटाफट बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है मणका मसूर दाल। इसको 4 से 5 मिनट ढक्कन लगा कर रख रही हूँ मैं। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और मैंने इसका ढक्कन हटा के देखा तो ये दाल तो पक गई है, लेकिन जो पानी होता है ना मैंने पहले इसीलिए कम डाला था ताकि जल्दी पक जाए दाल। तो अब इसमें मैंने अच्छे से चलाकर और आधा लोटा मैंने मतलब आधा मटका है ना मेरा छोटा वाला वो मैंने डाल दिया है और अच्छे से मिलाकर 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और पकने के लिए छोड़ देंगे। और पहले मैंने जब ढक्कन लगाया था ना उस टाइम हाई फ्लेम नहीं था, धीरे रखा था मैंने। तो दाल बनकर हमारी तैयार हो गई है और मैंने गैस को बंद कर दिया है। यहाँ पर मैं हरा धनिया मेरा सुखाया हुआ था घर पर तो उसको मैंने डाल दिया है। हरा धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आपके पास ताज़ा हो तो ताज़ा डाल देना, अगर आपके पास कस्तूरी मेथी हो तो कस्तूरी मेथी डाल सकते हो। मेरे घर पर कोई कस्तूरी मेथी बहुत कम खाते हैं मेरे बच्चे, इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये देखो कितनी गाढ़ी गाढ़ी मस्त वाला कलर भी अच्छा है, गाढ़ी पर गाढ़ी बनी है और बहुत ही गजब बनी है।